चलिए बेटा, अब चैप्टर नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1, इसे हम बोलते हैं थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा चैप्टर 4 पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर जब हम थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम फॉरन में जब बिजनेस करते हैं, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट करता है, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, बहुत सारी वेटेज भी है इसमें। अब आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली बात, पहले तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड दी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। क्या इंटरनेशनल ट्रेड में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है? डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। जैसे कि बेटा, जब आप देश के अंदर बेच रहे होते हैं, आपकी करेंसी एक होती है, डॉक्यूमेंटेशन दोनों तरफ से एक जैसी चलती है, जो लॉ एंड रेगुलेशंस है वो देश के अंदर अंदर के लिए, जैसे जीएसटी पूरे देश में एक जैसा चलता है, तो बिजनेस करना काफी आसान है। पर आप किसी फॉरेनर के साथ बिजनेस करते हैं तो पहली बात, उनके देश के लॉ हमारे देश के लॉ दोनों मैच होने चाहिए। मतलब आप जो सामान बना रहे हो वो दोनों देशों में बिकने लायक होना चाहिए, दोनों की करेंसी अलग है, दोनों की डॉक्यूमेंटेशन अलग है। इसीलिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। आइए पढ़ते हैं। पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन टू कंट्रीज। बेटा गुड्स एंड सर्विसेज बना के भी बेचे जाते हैं, रिसोर्सेज भी बेचे जाते हैं, कच्चा माल भी बेचा जाता है। जैसे इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है जापान को, आयरन ओर कच्चा आयरन एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक रिसोर्स है। ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड कहा जा रहा है क्योंकि रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है। और इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसीज, ऑब्वियसली बात है क्योंकि जब मल्टीपल देश इन्वॉल्व होंगे, हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, तो मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होंगी। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है, कुछ प्रॉब्लम है जिन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हेट्रोजीनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड द करेंसीज। पहली बात यह है कि करेंसी एक जैसी नहीं होती है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। डिफरेंस इन द लीगल सिस्टम, बेटा दोनों देशों के लीगल सिस्टम अलग होते हैं। अब इंडिया में कोई चीज अलाउड है, हो सकता है वो यूएसए में ना अलाउड हो, तो लीगल सिस्टम में बैरियर्स हैं एक दूसरे के। मोर इलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है जो कि इंडिया के अंदर अंदर में नहीं होती होगी। डाइवर्स रिस्ट्रिक्शन, कई तरह की रिस्ट्रिक्शन है, टैक्सेज, रेगुलेशन, ड्यूटीज, कोटास, टैरिफ्स, यानी ये हम आगे वाले यूनिट में पढ़ेंगे भी सही कि कैसे एक देश दूसरे देश से आने वाले गुड्स को रोकने की कोशिश करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड्स, रिस्ट्रेंट्स, बेटा कई बार ऐसा होता है कि उनके गुड्स, उनके देश में जो स्टैंडर्ड्स चलते हैं, हमारे गुड्स वो स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पाते, तो नहीं बिक पाते, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको पता है कि सेम कंपनियां जो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट बना के बेचती हैं वो लोअर क्वालिटी का होता है, वो सेम कंपनी एक्सपोर्ट करने के लिए हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है क्योंकि उन देशों में स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता उस सामान को बिकना। कई देशों के ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जैसे इंडियन कार्स इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर विदेश भी जाती हैं, पर वहां पे जब जाती हैं तो उसमें एयरबैग्स लगना कंपलसरी है, उसकी सेफ्टी फीचर्स चेक होना बहुत कंपलसरी है। तो कई चीजों की रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है जब दो देशों के बीच में बिजनेस होता है। अब ये कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट। बेटा देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, ये मैं सेकंड क्वेश्चन नाम दे देता हूं इसका, इसका नाम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया था, ये क्वेश्चन वन था, ये क्वेश्चन टू था। सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। बेटा वैसे मैं खुद भी मानता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। वैसे इस चैप्टर में हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। जी हाँ, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, हर देश वो बनाने लग जाता है जिसमें वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसे इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड ज्यादा बनाएगा, हो सकता है कि जापान कैपिटल इंटेंसिव गुड ज्यादा बनाए। दूसरी बात है चीपर रॉ मटेरियल, बेटे सस्ते में रॉ मटेरियल मिल पाता है, न्यू मटेरियल एंड फॉरेन एक्सचेंज हो पाती है आपस में। इंक्रीजेस द स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ऑब्वियसली बात है जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम ज्यादा मैकेनाइजेशन कर पाते हैं, ज्यादा मशीनीकरण कर पाते हैं, ज्यादा मशीनें इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है जी, तो दीसा कहता है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड। बेटा कई देश ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड थे जब तक वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करने से उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, फॉरेन के गुड्स उनके वहां बिकने आने लगे, अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलने लगे, प्लस अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी काम करने की, फॉरेन की कंपनियों ने वहां पे आके अपनी फैक्ट्रियां खोल ली, उन लोगों को जॉब मिलने लगी। अब जैसे आप इंडिया में ही देख लो, इंडिया में कितने सारे केपीओ, नोएडा गुड़गांव भरा हुआ है केपीओ से। केपीओ होते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके नॉलेज का काम करवाती हैं, तो वो सब तभी तो संभव है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है, एक दूसरे के ऊपर फेथ है। ट्रेड स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द नेशन, ऑब्वियसली बात है दोनों देशों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है, पर उल्टा भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण कभी कभी वॉर भी हो सकती है। ठीक है जी, अब आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम इसके अगेंस्ट की बात करेंगे। पहली बात, अनहेल्दी ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट। बेटा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाता है, ओवर कंपटीशन की वजह से आपको कॉस्ट कम करनी होती है, तो जो वर्कर्स का एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है। नॉट इक्वली बेनिफिशियल
टू ऑल, मतलब बेटे गरीब देशों को फायदा उतना नहीं मिलता जितना अमीर देशों को मिलता है, ये बात फैक्ट है। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो ना तो अमीर लोग मक्खन खाते हैं, उन्हें सारा, जैसे एक बात बताओ, अब यूएस अगर ट्रेड कर रहा है मानो किसी छोटे देश के साथ, टर्की के साथ, तो आपको क्या लगता है टर्की को वो फायदा लेने देता होगा? जब आपस में बैठ के डील होती होगी तो यूएस ऐसी डील करता होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा यूएसए को मिलता होगा। तो बड़े देशों को ज्यादा फायदा मिलता है, छोटे देशों को कम फायदा मिलता है। तीसरी बात है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है भाई। कई देश ऐसा करते हैं हमारे देश से रिसोर्सेज ले जाते हैं निकाल निकाल के, या हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगा के सामान बना के अपने देश में ले जाते हैं, तो हमारी रिसोर्सेज फूक के चले जाते हैं, खत्म करके चले जाते हैं। थ्रेट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसका मतलब कि जो फॉरेन की कंपनियां होती हैं उनकी वजह से हमारी डोमेस्टिक कंपनियां बंद हो जाती हैं, ताले लग जाते हैं। आप देखो कितनी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो बंद हो गई क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल ट्रेड का झेल ही नहीं पाई। वेलफेयर ऑफ द पीपल में भी इग्नोर, बेटा सिर्फ सामान बनाने पे वेलफेयर को वेलफेयर नहीं देखा जाता, सिर्फ मशीनीकरण किया जाता है, मशीनें लगवाई जाती हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी लॉस होती है क्योंकि जब फॉरेन के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं तो उन्हीं के स्टैंडर्ड का सामान बनाना होता है, मशीनों से सामान बनाना पड़ता है, मतलब हाथों हाथों लेबर इंटेंसिव काम खत्म हो जाते हैं, तो लेबर की जॉब्स चली जाती हैं, वेलफेयर खत्म हो जाता है। वो देखो एक बात बताओ ना, एक देश दूसरे देश में आके प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उनके भला थोड़ी ना सोचेगा, वो तो अपना भला सोचेगा, वो तो सामान बना के लेके जाना चाहेगा। सिवियर कंपटीशन हो जाता है, इसलिए प्राइसेस बढ़ने की जगह उल्टा कम होने लग जाते हैं। जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बर्बाद हो गई पूरी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम कम ही कम होते रहते हैं। जैसे आप टीवी देख लो, म्यूजिक सिस्टम देख लो, ये इतने सस्ते बिकने लग गए, यानी इंडियन कंपनियां तो बंद ही हो गई, झेल ही नहीं पाए इंडियन कंपनियां वो कॉम्पिटिशन जो सैमसंग एलजी वगैरह ने इन्हें दिया, क्योंकि वो इतना सस्ते में सामान बना के इंडिया में बेच देते हैं कि उतने में हमारे यहाँ वाले जो ओनिडा वोनिडा थे वो तो खत्म हो गए, बीपीएल वीपीएल बंद हो गए। बोलिए बात आपको समझ आ गई? तो ये तो पहले तीन चार बेसिक क्वेश्चन, तीन बेसिक क्वेश्चन थे। अब आती है पहली थ्योरी, इसे आप बोलोगे थ्योरी वन। यहां से हम मेन थ्योरी पढ़नी स्टार्ट करते हैं, पहली थ्योरी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो हमने पांच थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करना है। पहली थी मर्केंटलिस्ट थ्योरी, मर्केंटलिस्ट थ्योरी थी ब्रिटिशर्स की थ्योरी। इनमें तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा, ये लोगों का कहना था कि देखो जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो जीरो सम होता है। जीरो सम मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सब जीत रहे हो, विन विन सिचुएशन नाम की कोई चीज नहीं होती। इनका ये मानना था विन विन नाम की कोई सिचुएशन नहीं होती, अगर हमारे देश को फायदा होगा तो किसी और को नुकसान होगा, और अगर किसी और को फायदा हो रहा होगा तो हमारे देश को नुकसान हो रहा होगा। यानी ये कहते थे क्रिकेट मैच की तरह है, कोई ड्रॉ नहीं है, या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा। यानी अगर इंटरनेशनल ट्रेड में हमें फायदा चाहिए, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज का व्यू था। यूरोपियन कंट्रीज थी ना जो उस वक्त बड़ी पावरफुल थी, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करी, हमारे ऊपर भी आके राज करा, उन यूरोपियन कंट्रीज का क्या मानना था, ध्यान से सुनना। उनका ये मानना था कि सुनो, हम कहीं भी जाएंगे तो वहां से ज्यादा मेटल लेकर आना है, वहां का सोना वहां का चांदी उठा के लाना है। और वो कैसे लाएंगे, जब हम उन्हें सामान एक्सपोर्ट करेंगे वो उन्हें सामान बेचेंगे और उनसे सामान खरीदेंगे कम से कम। यानी वो क्या बिलीव करते थे कि इंडिया को एक्सपोर्ट ज्यादा करो और उनसे इंपोर्ट करो कम से कम। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमसे इंपोर्ट कम करते थे, हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इसलिए हमारा सारा गोल्ड उनके पास चला जाता था। तो उनका यही मानना था कि एक देश का भला अगर करना है, अपने देश का अगर भला करना है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो और उस देश का गोल्ड अपने पास ले आओ। और इनका कहना था कि जो जो बिजनेस जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक का फायदा दूसरे का भी फायदा, ना, दोनों में से किसी एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। तो अपने देश की वेल्थ को बढ़ाना है, इनका बस एक ही पर्पस था कि अपने देश की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। ऑलराइट, ये यूरोपियन व्यू था, मतलब आप ये कह सकते हो कि यूरोपियन कंट्री, अच्छा लिखा है पॉलिसी ऑफ द यूरोप्स ग्रेट पावर्स। ऑलराइट, अब आती है थ्योरी टू। थ्योरी टू जो थी बेटा हमारे भाई एडम स्मिथ ने लिखी हुई थी। ये जो कहते थे इनका, ये बड़ा अच्छा बंदा था, ये कहता था एब्सोल्यूट एडवांटेज। पहले मैं इस कहानी को ना समझा दूं जरा। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, नॉट अ जीरो सम गेम। इनका मानना था ऐसा नहीं है कि जीरो सम गेम है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ना। उसने कहा ऐसा भी हो सकता है कि सबको फायदा हो, सबको फायदा हो, हाँ। इनका मानना था कि ऐसा हो सकता है, जैसे सोचो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाया, ये आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, 100% मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। इनका ये मानना था, जिसमें एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, कि दो देश हैं, कंट्री ए कंट्री बी। मान लो कि कंट्री ए में वीट बनने में 6 वीट इन 1 आवर, हम ये बात कर रहे हैं इन 1 आवर की, कि अगर 1 आवर काम होगा कंट्री ए में और 1 आवर काम होगा कंट्री बी में, तो कंट्री बी में, और इधर क्लॉथ, राइस नहीं है, क्लॉथ है, याद रखना,
उनका ये मानना था कि एक वन आर में कंट्री ए में 6 केजी वीट बन सकती है, मान लो, ठीक है जी, और मान लो कि 4 यार्ड स्क्वायर यार्ड या यार्ड जितना कपड़ा बन सकता है, जबकि कंट्री बी में ये 1 है और ये 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कंट्री ए में इसमें एडवांटेज है, कंट्री बी में इसमें एडवांटेज है। मतलब मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि कंट्री ए की एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट में है और कंट्री बी की एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब बेटा पक्की पक्की बात है। यानी यहां पे इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंट्री ए की एडवांटेज है वीट बनाने में, कंट्री बी की एडवांटेज है क्लॉथ बनाने में। तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सी बात भाई साहब, कंट्री ए तो तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? तुम्हें प्रोड्यूस करना चाहिए वीट, और तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? तुम्हें प्रोड्यूस करना चाहिए क्लॉथ। कंट्री ए बनाएगी वीट और कंट्री बी बनाएगा क्लॉथ, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों को फायदा होगा। कैसे? जैसे एक बात समझना, अगर मान लेते हैं दोनों एक दूसरे को वन वन आर की आउटपुट एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ वन वन आर की, मैं बड़ा सिंपल सा रखता हूं, मैं अगर आपके लिए कॉम्पिटिशन बोलूं दोनों वन वन आर का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि कंट्री ए, अगर एग्जाम्पल लो, अगर कंट्री ए अपनी वन आर की आउटपुट देती है, वन आर आउटपुट अगर अपनी देती है तो वो गिव आउट करेगी 6 वीट, और कंट्री बी भी अगर उसको बदले में देती है अपनी, कंट्री बी भी अगर 1 आर की आउटपुट देती है, इमेजिन करो अगर वो भी अपनी 1 आर की आउटपुट उन्हें दे देती है, तो वो देती है 5 क्लॉथ। तो आपको नहीं लगता कि दोनों का भला हो रहा है? कैसे? कंट्री ए ने जो अपनी 1 6 किलो वीट दी थी, 1 आर की आउटपुट दी थी, उतनी देर में अगर वो क्लॉथ बनाता, खुद क्लॉथ बनाता, तो खाली 4 यूनिट बना पाता। यानी उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 6 वीट देने की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी खाली 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ। तो यानी उसे 4 यूनिट क्लॉथ के बदले में 5 यूनिट क्लॉथ मिल रहा है। तो कंट्री ए को कितना गेन हो रहा है, आप ये बताओ मुझे, एक बार सोच समझ के बताओ, कंट्री ए का गेन कितना है? 1 यूनिट क्लॉथ का गेन है उसे। क्यों क्लॉथ का गेन है बेटा? इसलिए क्लॉथ का गेन है क्योंकि वो खुद बनाता तो 4 बनाता, उसे मिले 5 है, तो उसे 1 यूनिट क्लॉथ का गेन है। उसे मिले हैं 5 यूनिट ऑफ क्लॉथ, लेकिन वो खुद बनाता 1 आर में, तो बनाता 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ, तो उसे 1 यूनिट क्लॉथ का गेन हुआ है। वहीं पर अगर मैं कंट्री बी की बात करूं, कंट्री बी के अगर गेन की बात करूं मैं, तो मैं यूं कहूंगा कंट्री बी को कितना गेन हुआ। जैसे एक बात बताओ, उन्हें मिला है 6 यूनिट वीट, 6 यूनिट वीट मिला है, और उन्होंने 1 यूनिट का, एक मतलब 1 आर काम किया था अपने राइस, अपने सॉरी क्लॉथ के लिए। अगर वो खुद क्लॉथ प्रोड्यूस करते, खुद वीट प्रोड्यूस करते, तो खाली 1 यूनिट प्रोड्यूस होती। उन्होंने 5 क्लॉथ दिया ना, 5 क्लॉथ मतलब 1 आर का काम दिया है, 1 आर का काम सौंपा है किसी और को, उसके बदले में उन्हें अगर खुद प्रोड्यूस करते तो 1 यूनिट ऑफ वीट करते, लेकिन उन्हें मिल रही है 6 यूनिट ऑफ वीट। तो उनको गेन गेन कितना है? कंट्री बी गेन्स 5 यूनिट्स ऑफ वीट। कैसे? क्योंकि उन्हें 6 यूनिट मिले हैं और उनका अपना लॉस हुआ है 1 यूनिट का, तो यानी उन्हें 5 यूनिट का गेन हुआ है। यानी बेटा कंट्री बी को तो भयंकर फायदा हो रहा है इस ट्रेड में, कंट्री ए को भी फायदा हो रहा है और कंट्री बी को भी फायदा हो रहा है। तो ये थियोरी हमारे भाई एडम स्मिथ ने लिखी थी, उनका मानना था कि दोनों देशों को फायदा हो सकता है अगर अपनी अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला प्रोडक्ट बनाओ। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब जिसमें मैं सबसे अच्छा हूं मैं उसे बनाऊं, और जिसमें आप सबसे अच्छे हो वो आप बनाओ। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी ये बात कही थी एडम स्मिथ ने, ये इनका यही मानना था कि लोअर, बेटा हमेशा ऐसे करना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए, फ्रीली ट्रेड करना चाहिए, ग्लोबल आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगी, मोर ऑफ बोथ द गुड्स आर अवेलेबल, और दोनों गुड, दोनों ही चीजें ज्यादा बना पाएंगे दोनों देशों में, दोनों देशों में दोनों ही चीजें ज्यादा बन पाएंगी, जैसे ज्यादा मिल पाएंगी अगर वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। समझे आप मेरी बात? तो मेरे एग्जाम्पल का मतलब है कि कंट्री ए प्रोड्यूसेस ओनली वीट एंड कंट्री बी क्या प्रोड्यूस करेगी? कंट्री बी प्रोड्यूसेस करेगी जिसमें उसकी एडवांटेज है, ओनली क्लॉथ। यानी कंट्री ए वो बनाए जिसमें उसकी एडवांटेज है, कंट्री बी वो बनाए जिसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब आ जाती है तीसरी थ्योरी। देखो जो दूसरी थ्योरी थी उसमें एक प्रॉब्लम थी। सर जी क्या प्रॉब्लम थी सेकंड थ्योरी में? बाबू सेकंड थ्योरी के अंदर ये दिक्कत थी कि जब सेकंड थ्योरी की आप बात करते हो तो वो ये कहता है कि एक देश के पास एक एडवांटेज होनी चाहिए, दूसरे देश के पास दूसरी, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक देश के पास दोनों ही एडवांटेजेस नहीं होती।
मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? कई बार ऐसा हो जाता है कि एक देश के पास दोनों ही चीजों की एडवांटेज नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, मान लो कि कंट्री ए और कंट्री बी की बात कर रहे हैं फिर से, और फिर से आपके मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल लूंगा। मैं अपने घर पे कोई एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूं इसको समझाने के लिए, ताकि सबके पास मॉड्यूल है वो उसे पूरा रीड कर सकते हैं डिटेल में, इसलिए मैं मॉड्यूल का ही ले रहा हूं। ठीक है, ये पेज नंबर 4.8 पे डिस्कस्ड एग्जाम्पल है आपके मॉड्यूल का जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लो कि कंट्री ए इन वन आर लेबर, बेटा अगर आप 1 आर की लेबर फोर्स के बारे में बात करोगे, 1 आर की लेबर अगर कंट्री ए में काम करती है, कंट्री बी में काम करती है, तो क्या होगा? अगर 1 आर की लेबर कंट्री ए में काम करती है तो वो 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी और क्लॉथ के 4 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, ये 1 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। सर यहां तक तो सब कुछ सेम है जैसा पिछले एग्जाम्पल में था। देखो बिल्कुल ऐसा ही पिछले एग्जाम्पल में भी था, 6 4 1 सब कुछ सेम था, बट ये 5 चेंज हो जाएगा। अब इस 5 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 यूनिट, यानी कंट्री बी जो है उसको दोनों में ही डिसएडवांटेज है, वो बिल्कुल ही निकम्मा देश है। कंट्री बी दोनों में ही डिसएडवांटेजेस है। दोनों में डिसएडवांटेजेस कैसे है? कंट्री ए 1 आर में दोनों ही चीजें ज्यादा बना सकती है, कंट्री बी दोनों ही चीजें कम बना सकती है कंट्री ए से। लेकिन अब एक बात बताओ, जब डिसएडवांटेज की बात होगी तो लोअर डिसएडवांटेज किसमें है? देखो यहां पे ये 6 वीट बनाएंगे, आप 1 वीट बनाओगे तो आप 1/6 पीछे हो बेटे। कितनी पीछे हो? 1/6, मतलब आप 6 गुना पीछे हो उनसे। लेकिन इसमें अगर आप अपनी डिसएडवांटेज देखोगे तो आप 1/2, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपकी जो डिसएडवांटेजेस हैं जो 4/2 के हिसाब से वो उतनी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है, आप ये कहोगे कि उसमें आपकी 1/2 है, इसमें 1/6 है, तो आप इसमें ये कह सकते हो कि इसकी दोनों में एडवांटेज है कंपैरेटिव, या कंपैरेटिव नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ। मैं लिख देता हूं कंट्री ए के ऊपर एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ। बेटा अब कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ है और कंट्री बी की एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ। अब कंट्री बी की एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ है, दोनों में ही उसका नुकसान है। अब क्या करूं भाई? अब तो क्या, कई लोगों ने कहा ऐसे में ट्रेड नहीं होना चाहिए, कंट्री ए अच्छी कंट्री है, कंट्री ए को कंट्री बी को मुंह नहीं लगाना चाहिए, कहे ऐसी की तैसी, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन वही डेविड रिकार्डो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एडम स्मिथ जो कहता था कि एक देश दूसरे एक में अच्छा होगा, दूसरा देश दूसरे में अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक देश दोनों में ही अच्छा हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मानो कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, इससे ज्यादा मतलब बुरा नहीं मानना। मानो कंट्री ए इंडिया है, मानो इंडिया वीट भी अच्छा बना सकती है और क्लॉथ भी अच्छा बना सकती है। वहीं पे कंट्री बी मान लो कि बांग्लादेश है, मानो ना तो वो वीट अच्छी उगा सकते हैं ना तो वो क्लॉथ अच्छा उगा सकते हैं, दोनों ही चीजों में परेशान है। लेकिन क्या फिर भी ट्रेड होना चाहिए? बिल्कुल ट्रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें ज्यादा है और इनकी कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इसमें कम है। मतलब इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज इज मोर, जब कंपेयर करोगे तो इसकी एडवांटेज ज्यादा है। तो कंट्री ए को बोलो कि वो वीट बनाए और इसमें कंपेरेटिव डिसएडवांटेज इज लेस, कंपेरेटिव डिसएडवांटेज इज लेस, मतलब वो बुरा तो है पर कंपेरेबली कम बुरा है। मतलब बी से पूछो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो अपना भाई है फिर भी हमारे साथ बिजनेस कर, ये बता कि तेरी डिसएडवांटेज कम किसमें है? उसने कहा क्लॉथ में कम है, तो हमने कहा जा तू क्लॉथ बना, हम वीट बनाते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब जरा बात की गहराई को समझना, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में पॉइंट में ट्विस्ट है। अगर मैं ये कहूं कि लेट अस से ये उन्हें 6 यूनिट वीट दे देता है, मान लो कि कंट्री ए उन्हें कंट्री ए गिव कर देता है 6 यूनिट्स वीट, कंट्री ए दे देता है कंट्री बी को 6 यूनिट वीट दे देता है, तो यानी एक्चुअली में वो उसे 6 आर्स की वैल्यू दे रहा है। क्यों बाबू? एक बात समझो, अगर कंट्री ए कंट्री बी को 6 आर्स 6 केजीज ऑफ वीट दे रहा है तो वो 6 केजीज ऑफ वीट उनके लिए 6 आर्स ऑफ लेबर के बराबर है, क्योंकि वो 1 आर लेबर में 1 वीट बनाते हैं, तो उनको वो 6 आर लेबर जितनी दिखाई देगी। 6 आर लेबर में अगर वो प्रोड्यूस करे, एग्जाम्पल लो, अगर वो प्रोड्यूस करे क्लॉथ, तो 6 आर लेबर में वो 12 क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो 1 आर में 2 क्लॉथ बनाता है। ध्यान से सुनना, कंट्री बी 1 आर में 2 क्लॉथ बनाती है, तो 6 आर में 2 × 6 यानी वो 12 क्लॉथ प्रोड्यूस करेगी, वो उतनी देर में कितने क्लॉथ बना लेगी?
वो उतनी देर में 12 क्लॉथ बना लेगी। अब वो 12 क्लॉथ में से अगर वो इसे, बेटे इसने उसे दिया क्या है, इसने उसे 1 आवर का टाइम दिया है, 1 आवर की इसने एक 6 वीट बनाई, 6 वीट इसके लिए कंट्री ए के लिए 1 आवर के बराबर थी, उसने अपनी 1 आवर की आउटपुट दे दी, वो 1 आवर की आउटपुट उनके देश में 6 आवर्स की आउटपुट के बराबर है, और उन 6 आवर्स में वो लोग 12 क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर वो 12 क्लॉथ में से मान लो कि आधे अपने पास रख ले, 6 अपने पास रख ले और 6 इसे दे दे, तो भी कंट्री ए को फायदा हुआ। बताओ कंट्री ए को कैसे फायदा हुआ? कंट्री ए 1 आवर में अगर खुद क्लॉथ बनाती तो खाली 4 यूनिट बनाती, लेकिन उन्हें वापस मिले कितने हैं? उन्हें मिले 6 क्लॉथ, 6 क्लॉथ मिले ना, फिर भी फायदा तो हुआ। यानी कंट्री ए को 6 क्लॉथ मिले तो गेन कितने का हुआ? इन्हें गेन हुआ 2 क्लॉथ का। इन्हें गेन कितने का हुआ? 2 क्लॉथ का, 2 यूनिट क्लॉथ का। और इन्हें गेन क्या हुआ? इन्हें अगर आप ध्यान से देखो तो 3 आवर्स का गेन हुआ। 3 आवर्स का क्यों गेन हुआ? क्योंकि इन्होंने जितने क्लॉथ दिए हैं वो 3 आवर्स के जितने दिए हैं। इन्हें इन्हें मिला है काम 6 आवर्स का, बेनिफिट मिला है 6 आवर्स का, लेकिन इन्होंने जो आउटपुट दिया वो खाली 3 आवर्स वाली दी है, तो इन्हें भी 3 आवर्स बचे हैं। मतलब इन्हें 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बच गए, और ऐसे कह सकते हो 3 आवर्स बच गए, और इनका गेन हो गया 0.5 आवर्स का, यानी इन्हें 0.5 आवर्स बच गया। बेटा इन्हें 2 क्लॉथ बचे, 2 क्लॉथ ही अगर खुद बनाते तो आधे घंटे में बनाते, तो कंट्री ए को गेन हुआ आधे आवर्स का, हाफ आवर्स का, और कंट्री बी को गेन हुआ 3 आवर्स का। ये मैंने सब बताया जब 6 गिव आउट करे और 6 लिए, मतलब उसने 6 वीट दिए और 6 क्लॉथ लिए, हो सकता है इससे ज्यादा भी ले वो। तो ये थ्योरी थी कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज में रिकार्डो ने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक देश दोनों गुड्स में अच्छा है और एक देश दोनों गुड्स में बुरा है, फिर भी ट्रेड हो सकता है, फिर भी ट्रेड हो सकता है। ये बात डेविड रिकार्डो ने हमें कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी में लिख दी। फिर हेबलर ने इसी की रेशियो निकाल कर दिखाई है, ये जो मैंने अभी समझाया ये सब कुछ हेबलर ने बताया था उनको। लिमिटेशन क्या है कि सप्लाई कंडीशन एक्सक्लूड डिमांड पैटर्न, ये डिमांड को नहीं सोचता, और द थ्योरी डज नॉट एग्जामिन व्हाई कंट्रीज हैव कॉज डिफरेंस, इसने ये नहीं बताया। बेटे देखो एक दिक्कत बताऊं, अगली थ्योरी पढ़ने आने से पहले, अभी 3 हो गई ना हमारी, अभी चौथी थ्योरी पे आओ। जो हेक्शर रोलिन की थ्योरी थी ना, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि जो चौथी थ्योरी थी उसको पढ़ाने से पहले एक बात हूँ, पुरानी सभी थ्योरीज में गलती थी, पुरानी दोनों में, एब्सोल्यूट में भी, मतलब एडम स्मिथ वाली में भी और डेविड रिकार्डो में, दोनों में एक दिक्कत थी कि वो ये कह देते थे कि यहाँ लेबर ज्यादा लगता है वहां लेबर कम लगता है, पर वो बताते नहीं थे कि क्यों कम लगता है। भाई कोई रीजन भी तो होता है, एक बात बताओ, हर एक चीज का कोई रीजन भी तो होता है कि नहीं होता कोई रीजन? भाई डेफिनेटली रीजन होता है। एक बात कहो, अगर मैं आपको ध्यान देना, यदि मैं ये कहूं कि आपके देश में वीट ज्यादा उग सकती है लेबर से, तो क्यों? कोई तो रीजन होगा, हो सकता है आपके वहां फैक्टर्स अच्छे हो सकता है आपके वहां जमीन ज्यादा उपजाऊ हो सकता है, आपके वहां ज्यादा बारिश आती हो सकता है, आपके वहां कुछ भी नेचुरली एंडोमेंट हो, आपके वहां नेचुरल फैक्टर ज्यादा हो। तो ये बात करी हेक्शर रोलिन ने। हेक्शर रोलिन का क्या मानना था? उनका मानना था, ध्यान से सुनना, उनका मानना था कि गुड्स एक दूसरे के पास से बेटर इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ देशों के पास फैक्टर एंडोमेंट अलग होती है। बेटा फैक्टर एंडोमेंट कहने का मतलब होता है कि उन देशों के पास, ध्यान से सुनना, कुछ देशों के पास फैक्टर ज्यादा है। भाई चौड़ी अलग है उनकी, फैक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है? कुछ देशों के फैक्टर्स ज्यादा है। फैक्टर ज्यादा होने का मतलब किसी किसी देश में कैपिटल ज्यादा है, किसी किसी देश में मान लो कि लेबर ज्यादा है, किसी किसी देश में क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो आउटपुट ज्यादा है, किसी की सॉइल बहुत अच्छी है, तो फैक्टर्स की एंडोमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब किस देश के पास कितने फैक्टर्स है उससे निर्भर करता है कि वो क्या अच्छा बनाएगा, और वो तो कोई ले नहीं सकता ना। एक बात बताओ, अगर गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल है तो इंडिया आके उनसे छीन तो सकता नहीं, या यूएसए भी उनसे छीन नहीं सकता, वो तो उनकी रिसोर्स है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमेशा वही जीतेंगे पूरी दुनिया में। तो इसी बात को इस थ्योरी में कहा गया, एक्सपर्ट ने कहा कि फैक्टर एंडोमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके देश में फैक्टर्स कौन से हैं, आपके देश में कैपिटल इंटेंसिव फैक्टर है, लेबर इंटेंसिव फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है आपके देश में ज्यादा, इसी को मॉडर्न थ्योरी भी बोल देते हैं। पर ये न्यू मॉडर्न थ्योरी नहीं है, न्यू मॉडर्न थ्योरी इसके बाद आएगी, अभी ये मॉडर्न थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई थ्योरी है। इसमें यह बोलता है कि हर कोई वो खरीदेगा जो वो अपने देश में महंगा बना सकता है, सस्ता नहीं बना सकता। यानी देखो, कंट्री कुछ कंट्रीज कैपिटल अबंडेंट होती हैं, उन्हें कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज कह देते हैं, वो सामान प्रोड्यूस करेंगी जो कैपिटल इंटेंसिव है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं जापान का, ठीक है जी। अब जापान में लेबर फोर्स जो है वो कम है, लेकिन जो कैपिटल है, मशीनरी है, वो मोर है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव नेशन है।
कैसा नेशन है? कैपिटल इंटेंसिव नेशन है। अब बेटा कैपिटल इंटेंसिव नेशन पता है क्या करेगा? कैपिटल इंटेंसिव नेशन एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल गुड्स, वो गुड्स बनाकर जिनमें कैपिटल ज्यादा खर्च होती है, और वो इंपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स। लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब, लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब जिनमें लेबर ज्यादा लगती होगी। वहां हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट नहीं बन पाएंगे भैया, वहां अगर हैंडीक्राफ्ट बनाओगे वहां लेबर की कॉस्ट इतनी हाई है कि पता चला वो हैंडीक्राफ्ट का कुछ झूमर ही बन जाएगा 5 लाख रुपए का। भाई साहब जो हमारे यहाँ कालीन सिलते हैं, एक एक महीना लगता है कालीन बनाने में, बुनने में, उतना अगर उनके वहां होगा तो 5 लाख की तो बुनाई लग जाएगी, जितनी हमारे यहाँ 10-15 हजार में काम हो जाता है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पास उल्टा हालात है। इंडिया के पास लेबर फोर्स हाई है और इंडिया के पास कैपिटल फोर्स यानी कैपिटल लेस है। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये इंपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड, और एक्सपोर्ट क्या करेगा इंडिया? और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इनको, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो जो जापान इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा। क्या आपको कहानी समझ आ गई? यानी ये थ्योरी बोलती है भैया, हेक्सरोन की थ्योरी ये बोलते हैं कि जिस चीज में आपके पास कैपिटल अगर ज्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाओ, अगर आपके लेबर ज्यादा है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड बनाओ, आप दोनों से एक्सचेंज कर लो। देखो इसके बारे में और पढ़ते हैं। हेक्सरोन की थ्योरी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इनका ट्रेड थ्योरम है। ट्रेड थ्योरम क्या कहता है? ये मैं एक बात बता दूं बेटा, ये मैं अपने घर से लिख के नहीं लाया हूं, ये सारी बातें वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज है, वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड भी मैंने आगे पीछे नहीं किया, ठीक है जी? सब कुछ मॉड्यूल में से उठाया, आप चाहेंगे तो मॉड्यूल सामने रखकर आप अंडरलाइन कर लेना, आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा। हाँ मतलब मैंने उसे शॉर्ट किया है, कुछ जो इररिलेवेंट बातें हैं या जो एग्जांपल्स हैं वो हटा दिए ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। वही कहते हैं कि एक कंट्री स्पेशलाइज करती है एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी जिसमें उसकी प्रोडक्शन इंटेंसिव यूज ऑफ अबंडेंट रिसोर्स, जिसमें वो रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल होती है जो उसके पास अबंडेंट है। यानी अगर इंडिया के पास लेबर अबंडेंट है तो इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगा, अगर जापान के पास कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगा। और वो इंपोर्ट क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे जिसमें उसकी रिसोर्सेस स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब जो उनके पास कम है, वो वाली जो उससे बनने वाला सामान इंपोर्ट करेगा। फिर आता है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इसमें पता है क्या कहते थे हेक्सर रोलिन, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात लिखी उन्होंने, कहा कि देखो अंत में ना सब चंगा हो जाता है, अंत में सब कुछ बराबर हो जाता है। बराबर होने का मतलब यह है कि दोनों देशों में चीजों का प्राइस अपने आप इक्वल आ जाता है, फैक्टर्स का प्राइस। एक बात बताओ, इस ट्रेड होने से पहले, ध्यान से सुनना, इस पूरी ट्रेडिंग होने से पहले क्या होता होगा, जरा ध्यान से सुनना, इस पूरा ट्रेड होने से पहले मतलब अगर मैं कहूं कि पहले की बात कहूं तो प्रायर टू ट्रेड इंडिया में लेबर जो होगी वो बहुत सस्ती मिलती होगी, लेबर लो रेट्स पे बिकती होगी और यहां लेबर हाई रेट्स पे बिकती होगी, ठीक है? अब लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे करके जब इंडिया के लेबर इंटेंसिव गुड्स, ध्यान देना, जब इंडिया के लेबर इंटेंसिव गुड्स बन के इनके देश में जाएंगे, जब लेबर इंटेंसिव गुड्स उधर बन के जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ध्यान से समझना इस बात को, लेबर की रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई? ऑब्वियस सी बात है, पहले वो थोड़ी बहुत लेबर इंटेंसिव गुड्स, मान लो कि पहले वो लेबर इंटेंसिव गुड्स खुद बनाते थे अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना होता, अब उन्हें वो बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो सारा का सारा इंपोर्ट कर लेते हैं। जब वो इंपोर्ट कर लेता होगा जापान, तो जापान में लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जब लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो कंपेरेबली लेबर का रेट थोड़ा सा फॉल करेगा, थोड़ा सा लेबर का रेट फॉल करेगा, लेबर थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी और यहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बेटा एक बात बताओ, लेबर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? लेबर की रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी लेबर इंटेंसिव गुड, तो हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को रखेंगे, यानी इंडिया में लेबर की शॉर्टेज होने लगेगी, सारी लेबर को जॉब मिलने लगेगा, जब सारी लेबर को जॉब मिलने लगेगा तो लेबर की रेट बढ़ जाएगी, तो लेबर रेट हाई हो जाएगा और धीरे धीरे ये कहानी चलती रहेगी। यानी इंडिया में लेबर का रेट बढ़ने लगेगा, जापान में लेबर का रेट कम होने लगेगा, बेसिकली इक्वलाइजेशन पे आ जाएगा थोड़े समय में। किस पे आ जाएगा? इक्वलाइजेशन पे। क्या आपको ये बात समझ आई? यानी इंडिया जब लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करेगा और एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया में लेबर की शॉर्टेज होने लगेगी, इसलिए इंडिया में लेबर का प्राइस बढ़ जाएगा, और जापान में लेबर यूज नहीं हो रही होगी, लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, उनका कोई काम नहीं बचेगा, इसलिए लेबर की वहां पर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इसलिए लेबर का प्राइस कम हो जाएगा। तो एक तरीके से इन दोनों का प्राइस मैच कर जाएगा, ये बताया है इन्होंने। ऐसे ही कैपिटल में उल्टा हो जाएगा,
कैपिटल में उल्टा हो जाएगा, वहां कैपिटल का रेट बढ़ने लगेगा, यहां पे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का कैपिटल का रेट कम होने लगेगा और मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा, ये उन्होंने लिखा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी में, बेटे किसमें लिखा, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी में। तो इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज द फैक्टर प्राइसेस बिटवीन द ट्रेडिंग नेशंस हमेशा, और जो चीज पहले कम दाम की मिलती थी, ये इंडिया के लिए बोला है, इंडिया में जो पहले लोएस्ट प्राइस फैक्टर्स थे जैसे लेबर इंडिया में सस्ती बिकती थी, पर बाद में बराबरी पे आने लगेगी, टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू अदर फैक्टर्स, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि इंडिया में लेबर का प्राइस बढ़ने लगेगा, इंडिया में लेबर का प्राइस बढ़ने लगेगा, बोल मेरा बच्चा समझ आ गया आपको। आगे देखते हैं, फिर वही कहते हैं थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड मॉडर्न थियोरी, ये उन दोनों में डिफरेंस है बेटे। जो ये वाली थियोरी हेक्सर रोलिन भाई ने लिखी है, ये डेविड रिकार्डो ने लिखी है, इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो इन दोनों में ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो है ही, पुरानी वाली थ्योरी पागल वाली थी, उसमें सिर्फ लेबर को पागल हो रखे थे, खाली लेबर 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 सोचते थे। हेक्सर रोलिन ने पहली बार मॉडर्न थ्योरी में ये बात बोली कि सिर्फ लेबर पर डिपेंडेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं भाई साहब, वहां की हवा पानी बिजली मिट्टी लेबर कैपिटल सब मैटर करता है, तो रिसोर्सेस पे मैटर करता है। तो ये थ्योरी थोड़ी ऑब्सोल्यूट थी, थोड़ी बेकार थी, ये थ्योरी मैं मानता हूँ थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी बेहतर थी। फिर इसको आप अपने आप पढ़ लेना बेटा एक बार डिफरेंस को, ठीक है। अब आ जाता है न्यू ट्रेड थ्योरी, बेटा न्यू ट्रेड थ्योरी एक गेम चेंजर है, 1917 में लिखी गई थ्योरीज है, ये थोड़ी मॉडर्न थ्योरीज है भैया, इनमें थोड़ी क्लासिक बढ़िया बातें की गई है। इनमें पता है क्या कहा जाता है, इनमें कहा जाता है देखो ऐसा है, ये सारी ऊपर की चारों थ्योरी वेस्ट है, ये पांचवी थ्योरी बेटा हमारी थ्योरी 5। ये थ्योरी कहती है देखो ऐसा है, कहने को तो हम तुम्हें कुछ कहें, तुम हमें कुछ कहो, तुम कहो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसी की तैसी, सारे देश एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, बड़े बड़े देश तो आपस में और ज्यादा ट्रेड करेंगे। ये थ्योरी बनाई गई है बेसिकली डेवलप्ड नेशंस के लिए, बड़ी कंट्रीज के लिए, वो जो सामान खुद बनाते हैं वो भी एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो इंपोर्ट भी करते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो, हाँ यानी एक देश जो चीज एक्सपोर्ट करता है वही चीज इंपोर्ट भी करता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया आपके मॉड्यूल में कि भारत जो है या यूएसए है वो गाड़ियां बनाता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है और गाड़ियां इंपोर्ट भी करता है। सर ये कैसी बात हुई, बेटा देखो एक तो हमें बेटर चॉइसेस चाहिए, क्या इंडिया में गाड़ियां नहीं बनती, बिल्कुल बनती हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं, यानी एक तरफ से इंडिया से गाड़ी बनती है मारुति वगैरह की बाहर जाती है और विदेशों में गाड़ी बनती है और वो इंपोर्ट भी होती है, मतलब हम सेम गाड़ियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। सिमिलर तरीके से इंडिया कई और ऐसी जैसे फूड के आइटम्स हैं, इंडिया कई फूड के आइटम्स एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है, यूएस से भी कई चीजें एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, पहली बात तो देखो जब कस्टमर को बेटर चॉइसेस मिल जाएंगी, जब बड़ा डेवलप्ड नेशन होता होता है ना, जब डेवलपिंग होता है बड़े बड़े नेशन लेवल पे नेशन बात हो रही होती है, तो हर नेशन चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा चॉइस हो और अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कॉम्पिटिशन देना चाहता है, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन दे रखेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो इन्होंने ये बात बोली कि दो डबल फायदे हैं, दो फायदे हैं जिसकी वजह से देश ऐसा करते हैं कि वही चीज एक्सपोर्ट भी करते हैं वही चीज इंपोर्ट भी करते हैं। इसमें उन्होंने दो फायदों की बात करी, पहला फायदा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑब्वियस सी बात है जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें चीजें सस्ती पड़ती हैं, कोई भी देश जब कोई चीज लार्ज स्केल पे बनाता है तो उसकी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, कम हो जाने से वो एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर है नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या है, जब कोई चीज ज्यादा लोग यूज करने लगते हैं तो उस चीज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जैसे इन्होंने मॉड्यूल में ही आपके एग्जांपल दिया माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज वगैरह का और व्हाट्सएप का, एक बात बताओ कोई और ऐप जैसे एक इंडियन ऐप थी हाइक वगैरह, पर वो उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं हो पाई, उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, उतनी ज्यादा तेजी से काम नहीं कर पाई, क्यों, उसके पीछे रीजन था कि उन एप्स में इतने ज्यादा यूजर्स नहीं थे, जब करोड़ों देखो व्हाट्सएप के तो कई 100 करोड़ लोग होंगे है ना, तो इतने मेरे हिसाब से 200 करोड़ लोग भी हो सकते हैं, 300 करोड़ लोग भी हो सकते हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हो, मुझे पता नहीं है वैसे फिगर, तो उसके कारण उस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो इतनी रिसर्च कर सकती है कि वो ऐप में और नए 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 फीचर, अभी भी व्हाट्सएप नए से नए फीचर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नए से नए फीचर्स लेकर आते हैं, क्योंकि उनके इतने कस्टमर है, इतना पैसा है उनके पास कि उस पैसे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा पाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाते हैं। यानी यही परेशानी है, यही आपको की अच्छाई भी है कि देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो खुद सामान बनाते हैं औरों से भी एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट के यूजर्स बढ़े, जब यूजर्स बढ़ेंगे तो ऐसा इतना इकट्ठा होगा कि उसे बेटर क्वालिटी पे रिसर्च पे लगाया जा सकेगा, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंप्रूव होगी। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क इफेक्ट, यानी जिस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ और इंप्रूव होता है। आपने देखा है अभी भी व्हाट्सएप पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा बेहतरी होगी। मैंने क्या कहा, जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा बेहतरी भी होगी।
क्या मैं मान के चलूं कि यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं? एब्सोल्युटली क्लियर।